हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम स्टूडेंट्स फॉर माय फर्स्ट वीडियो लेक्चर एंड द लेक्चर ऑन द चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी बाय डेमोक्रेसी। दिस चैप्टर बिलोंग्स टू पॉलिटिकल साइंस एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। After that, features of democracy, and then the arguments against the democracy or demerits or weaknesses of democracy. And next time we will discuss the next arguments in favor of democracy, and last of all we will discuss about the broader meaning of democracy. Okay, so let us start from the definition of democracy. Democracy की जो definition है, democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. Means democracy is a form of government, the rulers are elected by the people. इसमें एक तो rulers, elected and people, ये तीन वर्ड्स पर हम ज़्यादा एम्फेसाइज करेंगे और उसको क्लियर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल रूलर्स, रूलर्स किस तरह के रूलर्स, मीन्स विच टाइप ऑफ रूलर्स शुड बी देयर। देखिए किंग वो भी रूलर कहलाता है, इसके अलावा डिक्टेटर वो भी रूलर कहलाता है ना। और इलेक्टेड, कैसा इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन किस तरह का होना चाहिए, और बाय द पीपल, और जो इलेक्ट करेंगे रूलर्स को वो कौन से पीपल होने चाहिए। ये तीन वर्ड्स आप याद रखिएगा, या तीन क्वेश्चन हैं ये, रूलर्स, इलेक्टेड, पीपल। तो इससे रिलेटेड बात जो है हम करेंगे आपसे, और फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी के जब हम डिस्कस करेंगे तब हम आपको इसमें बताएंगे कि रूलर्स, इलेक्टेड और पीपल, राइट। तो फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी या क्वालिटीज ऑफ डेमोक्रेसी मतलब ये हुआ कि क्या वो फीचर्स हैं, क्या क्वालिटीज़ हैं जो बताएंगी कि डेमोक्रेसी है या नहीं। यानी कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि जी कंट्री में डेमोक्रेसी है या नहीं। तो उसमें पहला जो फीचर है, जब पहली जो क्वालिटी है वो क्या है, गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन द विल ऑफ द पीपल। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि गवर्नमेंट जो काम करेगी वो लोगों की विल के अकॉर्डिंग करेगी, यानी कि लोगों के इंटरेस्ट के में करेगी, ठीक है। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो लोगों के इंटरेस्ट को क्या नहीं कर सकती, इग्नोर नहीं कर सकती। यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो हमेशा लोगों के इंटरेस्ट के लिए काम करेगी, तब वो गवर्नमेंट जो है वो सक्सेसफुल होगी। अदरवाइज क्या होगा, ऐसी गवर्नमेंट जो है जो लोगों के इंटरेस्ट को इग्नोर कर दे, ऐसी गवर्नमेंट सक्सेसफुल नहीं होगी। और इस तरह की गवर्नमेंट को लोग अगले इलेक्शन में रिजेक्ट कर देंगे, या उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, या उसके फेवर में वोट नहीं करेंगे। अब यहाँ पर एक बात ये उठती है कि इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी कि रूलर जो है या जो गवर्नमेंट है वो लोग चेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर गवर्नमेंट उनके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है, या लोग सेटिस्फाई नहीं है गवर्नमेंट की वर्किंग से, तो वो क्या करेंगे, उस गवर्नमेंट को चेंज कर देंगे या बदल देंगे। तो इसलिए जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोगों के इंटरेस्ट के बारे में फिक्र करें, या लोगों को सेटिस्फाई करें एनी हाउ, क्योंकि उन्हें क्या करना है, नेक्स्ट इलेक्शन में उन लोगों के सामने जाना है, उनको सेटिस्फाई करना है कि हमने पिछले 5 सालों में ये काम किए, और अगर लोग उससे संतुष्ट हैं, सेटिस्फाई हैं, तब वो उसको वोट देंगे
अदरवाइज वो उनको वोट नहीं देंगे। ठीक है, तो ये पहला फीचर क्या हुआ, गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन द विल ऑफ द पीपल, यानी कि सरकार जो है वो लोगों की इच्छा के अनुसार कार्य करेगी, सरकार ऐसे कार्य करेगी जो कि लोगों को फ़ायदा पहुंचाएं या लोग उससे संतुष्ट रहें, सेटिस्फाइड। ये पहली कंडीशन है डेमोक्रेसी। दूसरा जो है फीचर या क्वालिटी है, डिसीजन इज टेकन बाय द इलेक्टेड लीडर्स। इलेक्टेड लीडर्स मींस इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी कि लोगों ने जो लोगों रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया है, डिसीजन उन्हीं के द्वारा लिया जाना चाहिए। और अगर ऐसा है तब तो ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो क्या है, वो चीज़ ठीक नहीं है या वो चीज़ अच्छी नहीं है। इसको मैं एक एग्जांपल से क्लियर करता हूँ आपको। जैसे कि हमारा जो नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान, डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं वो लोग, लेकिन हम आपको बताएंगे कि क्या वजह है या क्या होना चाहिए डेमोक्रेटिक कंट्री होने के लिए, कहलाने के लिए। जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्या किया कि एक मिलिट्री कूप डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है वो किया उन्होंने। कूप का मतलब होता है चेंज द गवर्नमेंट, यानी कि सरकार को बदलने के लिए जनरल परवेज मुशर्रफ ने, जो कि मिलिट्री के थे, मिलिट्री पर्सोनल थे, उन्होंने एक मिलिट्री कूप जो है वो शुरू किया। और इसके अंतर्गत उन्होंने क्या किया कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, और ये किया 1999 में। और इस अमेंडमेंट का मतलब होता है टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना। ठीक है, हालांकि जो प्रोसीजर वो क्या होता है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट करना है तो कोई ना तो प्राइम मिनिस्टर कर सकता है ना प्रेसिडेंट कर सकता है, बल्कि क्या होगा, उसको असेंबली से पार्लियामेंट जो है उसमें चेंज कर सकती है, और असेंबलीज का भी अप्रूवल उसमें होना चाहिए तब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होगा। लेकिन पाकिस्तान में कोई असेंबली नहीं, कोई नेशनल गवर्नमेंट नहीं या पार्लियामेंट नहीं, बल्कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दिया। और उसके उससे क्या उन्होंने किया, उससे ये किया कि जो पावर्स हैं वो प्रेसिडेंट के पास आ गई, और जो परवेज मुशर्रफ थे उन्होंने अमेंडमेंट के बाद अपनी जो पोस्ट थी वो प्रेसिडेंट या चीफ एग्जीक्यूटिव कर ली, या वो चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए। ठीक, तो अगस्त 2002 में एक लॉ पास हुआ, लीगल फ्रेम ऑर्डर। क्या है, लीगल फ्रेम ऑर्डर, इसको पास किया। और इसको पास करने के बाद क्या हुआ कि प्रेसिडेंट को ये पावर मिल गई कि वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को डिसमिस कर सकता है या हटा सकता है, डिसमिस माने हटा देना। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट को पावर मिल गई या जनरल परवेज मुशर्रफ ने ये पावर अपने अधीन ले ली। इसके अलावा एक चीज़ और थी, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो लीडर्स थे, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, उनको सुपरवाइज करने के लिए एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाई गई, जिसके मेंबर्स मिलिट्री वाले थे या मिलिट्री पर्सन थे। ठीक है, या फौजी थे, आर्मी पर्सन्स इसके मेंबर्स थे। तो इस तरह से जो इलेक्टेड लीडर्स हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उनके काम को सुपरवाइज करने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल बनाई गई। और अगर उन्होंने कोई डिसीजन लिया है और सिक्योरिटी काउंसिल को पसंद नहीं है तो उनका डिसीजन रिजेक्ट कर दिया जाता था। ये जो पावर है वो सिक्योरिटी काउंसिल को मिल गई। तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि डिसीजन इलेक्टेड लीडर्स नहीं ले रहे हैं, डिसीजन कौन ले रहा है, परवेज मुशर्रफ, जो कि इलेक्टेड लीडर नहीं है, इसलिए पाकिस्तान जो है वो डेमोक्रेटिक
कंट्री नहीं है। ठीक है, पॉइंट इज क्लियर। नेक्स्ट जो है आपकी फीचर्स है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इसको भी आप एक एग्जांपल से क्लियर करता हूँ कि डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शन जो है वो रेगुलर होने चाहिए। जैसे आपके इंडिया में आफ्टर एवरी 5 ईयर्स इलेक्शंस आर हेल्ड। एक इलेक्शन आपका अभी पिछले साल ही हुआ था, आपको पता होगा 2019 में, है ना। और अब नेक्स्ट इलेक्शन कब होगा? आफ्टर 5 ईयर्स। ठीक है, तो 19 में आप 5 ईयर जोड़ दो, नेक्स्ट इलेक्शन तब होगा। ये नहीं कि नेक्स्ट इलेक्शन उनकी मर्जी है, जब चाहे तब करा लें। डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा नहीं होता। ठीक है, और इलेक्शन जो हो रहे हैं वो फ्री और फेयर होने चाहिए। ठीक है, इसके लिए एक एग्जांपल है इलेक्शन इन चाइना। चाइना में इलेक्शन हर 5 साल के बाद किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो इलेक्शन होते हैं या जो कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ रहे हैं वो सारे के सारे कम्युनिस्ट पार्टी से होते हैं। अगर अलायंस है तो उसको भी कम्युनिस्ट पार्टी से परमिशन लेना होगी। ठीक, तभी वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है, अदरवाइज इलेक्शन वो नहीं लड़ सकता। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर क्या तय किया गया है कि जो भी इलेक्शन कंटेस्ट करेगा या लड़ेगा वो क्या होगा, कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल लेगा या कम्युनिस्ट पार्टी से रिलेटेड होगा या कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर होगा, तभी वो लड़ सकता है। तो चाइना में नियर अबाउट 3000 मेंबर जो हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं। चाइना की पार्लियामेंट का नाम है नेशनल पीपुल कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। ठीक है, तो आपको यही नाम जो है याद करना है, अगर क्वेश्चन आए तो आपको यही नाम लिखना है चाइनीज पार्लियामेंट का, क्या? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। ठीक है, इस नेशनल पीपुल कांग्रेस में कुछ लीडर्स जो हैं वो आर्मी के भी होते हैं। तो इस तरह से वहाँ पर अगर इलेक्शन कैंडिडेट लड़ रहा है तो सबसे पहले उसको चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल लाना होगा। अप्रूवल लाने परमिशन लेनी होगी कि हाँ भाई कम्युनिस्ट पार्टी से ये हैं और इनके इलेक्शन लड़ने पर या कंटेस्ट करने पर हमें किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं है या कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपने इलेक्शन हुए लेकिन फ्री नहीं हुए, क्योंकि इलेक्शंस में चॉइस होनी चाहिए आपके पास। यहाँ चॉइस नहीं है, आप किसी को भी इलेक्ट करोगे, किसी को भी वोट दोगे तो जीतेगा वो कम्युनिस्ट पार्टी का होगा, आपके पास चॉइस नहीं है। ठीक है, और डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा क्या है कि इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन में चॉइस होनी चाहिए, तब जो लोग हैं वोटर्स जो हैं वो अपने चॉइस का अपना मनपसंद कैंडिडेट जो है वो उसको वोट दे सकें और उसको वोट देकर जिता सकें। तो यहाँ पर क्या है, चाइना में हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी ही गवर्नमेंट बनाएगी, इसके अलावा अदर जो एलाइज हैं वो गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे। तो इस तरह से क्योंकि फ्री इलेक्शन नहीं है, है ना, कोई चॉइस नहीं है, तो इसलिए चाइना जो है वहाँ पर चॉइस नहीं है, इसलिए चाइना डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। ठीक है, तो क्या था? एक इसमें वर्ड है फेयर इलेक्शंस। फेयर इलेक्शंस माने इलेक्शंस फेयर होने चाहिए, उसमें किसी तरह का कोई गलत तरीका नहीं अपनाना चाहिए। इसका एक एग्जांपल है मैक्सिको। मैक्सिको जो है उसको फ्रीडम मिली 1930 में, और इलेक्शन जब से, यानी कि कहना चाहिए कि 1930 से इलेक्शन हर 6 ईयर्स के बाद हो रहे हैं, हर 6 साल के बाद वहाँ पर इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक PRI पार्टी है जिसे इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी कहा जाता है। क्या है? PRI, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। ठीक, ये इलेक्शन लड़ रही है और
यही जीतती चली आ रही है। क्यों जीतती चली आ रही है, इसका मैं रीज़न अभी आपको बताऊंगा। क्योंकि अपोजिशन पार्टीज जो हैं वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती, इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करेंगी। इसलिए क्या होगा, जब अपोजिशन पार्टी नहीं है तो दे का एक ही पार्टी है ना, तो उसे ही जीतना है। और यानी कि जो अदर पार्टीज हैं वो इस तरह का ब्लेम भी लगाती हैं कि उनको जो है किसी प्रकार का कोई चांस इलेक्शन कंटेस्ट करने का नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब इसके लिए उन्होंने क्या किया, जो गवर्नमेंट है जिस पार्टी की, उन्होंने क्या किया कि गवर्नमेंट ने अपनी मशीनरी यानी कि जो ऑफिसर्स हैं या जो डिपार्टमेंट हैं उनको क्या है, उनको पार्टी में बुलाया और कहा कि वोट हमें ही देना है। अब यहाँ पर फेयर नहीं हुआ, क्योंकि उनको क्या किया, प्रेस किया जा रहा है कि वोट जो है आप हमारे फेवर में दोगे। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और है, जो गवर्नमेंट टीचर्स थे उनसे कहा गया कि जो पेरेंट्स हैं जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स को ये फोर्स करो कि क्या है, उनको वोट जो है वो पार्टी के फेवर में देने हैं, PRI के फेवर में देना है। ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में काम कर रहा है। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग काम करेगा, जो गवर्नमेंट कहेगी उसे ऐसे करना है। ठीक है, और लास्ट में जो है एक काम ये करते थे कि कोई भी पोलिंग बूथ समझते हैं, पोलिंग बूथ माने जहाँ पर वो जगह है जहाँ पर लोग वोट देने के लिए जाते हैं, तो पोलिंग बूथ जो है वो आखिरी समय में बदल देते थे, तो बहुत से ज़्यादा लोग जो हैं वो वोट देने जा ही नहीं पाते थे, इसलिए जो है वोट देने से वो रह जाते थे, इस तरह से PRI के जीतने के चांस बढ़ जाते थे। ठीक है, इसके अलावा जो PRI थी जिसकी गवर्नमेंट थी वो बहुत पैसा खर्च करती थी अपने कैंडिडेट्स के कैंपेनिंग में। ठीक है, और इस तरह से क्योंकि पैसा खर्च किया जा रहा है, लोगों को ज़बरदस्ती जो है उन पर दबाव डाला जा रहा है, उनको डराया धमकाया जा रहा है, तो इसलिए ये फेयर इलेक्शंस नहीं थे। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए डेमोक्रेटिक कंट्री होने के लिए, इसलिए मैक्सिको जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। नंबर फोर्थ, 1 person 1 vote 1 value, राइट टू वोट डेमोक्रेटिक कंट्री में जितने भी वहाँ के सिटीजन्स होते हैं उनको दिया जाता है, जो भी एडल्ट सिटीजन होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल आपको आपके कंट्री की दूँ, इंडिया में जो लोग 18 ईयर्स के हो चुके हैं या उससे ज़्यादा के हैं उनको राइट टू वोट मिलता है, और वो इसी के अकॉर्डिंग जो है वो वोट डाल सकते हैं, यानी कि उनको राइट टू वोट है। ठीक है, लेकिन आप लोग नहीं डाल सकते वोट, लेकिन आपके बड़े भाई बहन पेरेंट्स वगैरह डाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो 18 इयर्स के हो चुके हैं। ठीक, तो कहने का मतलब ये हो कि 18 इयर्स के जो पर्सन्स हैं, जो सिटीजन्स हैं, एक चीज़ और है, मैंने आपको बताया था ना डेफिनेशन में बाई द पीपल, किस तरह के पीपल, जो सिटीजन्स हों उस कंट्री के। ठीक है, और इलेक्टेड माने फ्री और फेयर इलेक्शंस हों। ठीक, रूलर्स जो लोगों के द्वारा, सिटीजन्स के द्वारा इलेक्टेड हों। ठीक, तो यहाँ पर 1 person 1 vote 1 value जो हम डेमोक्रेसी का फीचर आपको बता रहे हैं उसमें जो है राइट टू वोट हर सिटीजन को मिलना चाहिए बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। डिस्क्रिमिनेशन माने पार्शलिटी। ठीक, बिना किसी पार्शलिटी के राइट टू वोट हर सिटीजन को मिलना चाहिए। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पर हर सिटीजन को जो है राइट टू वोट नहीं मिलता। जैसे आप फ्रेंच रेवोल्यूशन अभी पढ़ोगे, हिस्ट्री का पहला लेसन है, उसमें जो है क्या था, राइट टू वोट नहीं था। राइट टू वोट किसे था, जिनके पास प्रॉपर्टी थी। इसका मतलब राइट टू वोट वॉज नॉट गिवन टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, उन सिटीजन्स को दिया गया जिनके पास प्रॉपर्टी थी। ठीक, तो इस तरह से कुछ देश ऐसे हैं जो कि राइट टू वोट सबको नहीं देते। इससे पहला एग्जांपल है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में
वुमेन हैव नो राइट टू वोट, वहाँ पर वुमेन को वोट देने का राइट नहीं है। इसी तरह से रशिया में जो USSR कहलाता था पहले, उसका एक कंट्री है इस्टोनिया, ESTONIA, इस्टोनिया। तो वहाँ पर रूल्स ऐसे हार्ड कंडीशंस रखी गई है, या रूल्स इतने हार्ड बनाए गए हैं कि रशियन माइनॉरिटीज़ जो हैं उनको सिटीजनशिप नहीं मिल पाती। क्यों? क्योंकि सिटीजनशिप के रूल्स इतने हार्ड हैं कि वो उसको कंप्लीट नहीं कर पाते। ठीक है, इसके अलावा एक कंट्री और है, फिजी। अब जो रशियन माइनॉरिटीज़ हैं, क्योंकि वो सिटीजन नहीं है इसलिए उनको वोट देने का राइट जो है वो नहीं होगा। ठीक, तो वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू में वन पर्सन हो गया, वन वोट यानी कि एवरी पर्सन शुड हैव राइट टू कास्ट वन वोट। और इसे एक फिजी का एग्जांपल मैं आपको और दूंगा। फिजी एक आइलैंड है, तो यहाँ पर जो है जो फिजी के हैबिटेट हैं, जो वहाँ के लोग हैं जिनका जिनका बर्थ वहीं पर हुआ है, वो इनडाइजेनस फिजियंस कहलाते हैं। ठीक है, जो वहाँ के सिटीजन्स हैं वो इनडाइजेनस फिजियंस कहलाते हैं। और दूसरे इंडियन फिजियंस, इंडियन फिजियंस वो हैं जिनको ब्रिटिशर्स अपने साथ इंडिया से ले गए थे फिजी में प्लांटेशन पर काम करवाने के लिए, तो वो इंडियन फिजियंस हैं। ठीक है, तो इंडाइजेनस फिजियंस का वोट की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है इंडियन फिजियंस के, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होना चाहिए, वैल्यू शुड बी इक्वल, वैल्यू बराबर होनी चाहिए। ठीक, तो क्या मतलब हुआ, एवरी पर्सन शुड हैव राइट टू वोट एंड ही कैन कास्ट वन वोट और हिज द वैल्यू ऑफ हिज वोट मस्ट बी वन, या द वैल्यू ऑफ हिज वोट मस्ट बी काउंटेड ओनली वन। ठीक, ये नहीं किसी तक आप साहब आप दो वोट दे दो, ऐसा नहीं। हर व्यक्ति जो है जो क्वालिफाइड है, जो सिटीजन है, उसको एक वोट देना है, उसकी वैल्यू एक ही गिनी जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपका है नेक्स्ट और लास्ट है रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। रूल ऑफ लॉ यानी कि रूल मस्ट बी अकॉर्डिंग टू लॉ। ठीक है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ है उसके अकॉर्डिंग रूल होना चाहिए, ये नहीं अपने मनमर्जी जब चाह अपने लॉ बनाया उसके अकॉर्डिंग आप रूल कर रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि जैसे आपने गवर्नमेंट इलेक्ट की, गवर्नमेंट इलेक्शन हुए, गवर्नमेंट बन गई, गवर्नमेंट कैसे बनेगी, मेजोरिटी के बेसिस पर। ठीक है, अब वो गवर्नमेंट कैसे काम करती है, कैसे काम करती है मतलब ये है कि क्या वो लोगों की इच्छाओं या लोगों से जो उन्होंने प्रॉमिस की है उसको फुलफिल कर रही है, या लोगों की भलाई का काम कर रही है, या एक बात और कह सकते हैं कि क्या वो लोगों के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ रही है कि हमारी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या है लोगों की सेवा करना या पब्लिक की सेवा करना। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की ये पहचान है, या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का ये होना चाहिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करे, ना कि अपने अकॉर्डिंग काम करे, अगर वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो। ठीक है, और एक चीज़ और है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए। जैसे आपके देश में, आपके देश इंडिया में जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी के अंडर में नहीं है, तो इसलिए आप देखिए कि अगर कोई भी गलत काम होता है तो जुडिशरी जो है वो उसको क्या करती है, रिजेक्ट कर देती है। ठीक है, तो इसको क्लियर करने के लिए एक कंट्री है जिम्बाब्वे। तो जिम्बाब्वे को 1980 में फ्रीडम मिली, और बहुत लंबे समय तक इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल किया। ठीक है, या फ्रीडम आज़ादी को लेने के लिए, फ्रीडम को अचीव करने के लिए बहुत समय तक इन्होंने स्ट्रगल किया, और वो स्ट्रगल जो है वो जानू पीएफ नाम की पार्टी ने किया। जैसे आपके यहाँ क्या था, आपके देश में जो फ्रीडम स्ट्रगल थी वो कांग्रेस के लीडरशिप में की गई,
है ना। ये आप जब 10th क्लास में आओगे तो उसको आप पढ़ोगे, एक लेसन आपका हिस्ट्री में, उसमें इसका आपको पढ़ाया जाएगा। तो इसके लीडर जो थे वो रॉबर्ट मुगाबे थे, ठीक है, रॉबर्ट मुगाबे इसके लीडर थे, बहुत पॉपुलर थे, जैसे महात्मा गांधी पॉपुलर थे हमारे देश में, इसी तरह रॉबर्ट मुगाबे जो हैं वो अपने देश में बहुत पॉपुलर थे, लोग उन्हें बहुत चाहते थे, ठीक है। लेकिन कुछ समय के बाद उन्होंने जो है इलेक्शन जीतने के लिए अनफेयर मीन्स जो है वो अडॉप्ट करने शुरू कर दिए, यानी कि किसी तरह से हमें जीतना है चाहे कुछ भी हो। और इसके लिए उन्होंने यहाँ तक कि कहना चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कई सारे अमेंडमेंट भी कर दिए, यानी कि सेवरल टाइम्स ही मेड अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अमेंडमेंट मैंने आपको बताया ही है, टू चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो उसको अमेंडमेंट कहते हैं, ठीक है। और इस अमेंडमेंट के द्वारा सारी पावर्स जो हैं उन्होंने अपने हाथ में रख लिया, ठीक, प्रेसिडेंट बन गए। और इसके अलावा उनकी अकाउंटेबिलिटी कुछ नहीं थी, यानी कि रेस्पॉन्सिबिलिटी सारी की सारी ख़त्म हो गई, उनकी पब्लिक के प्रति जो अकाउंटेबिलिटी थी वो कोई भी नहीं थी। अपोजिशन पार्टी थी लेकिन उनको ज़्यादा फ्रीडम थी नहीं, वर्कर्स जो हैं उनको, उन पर अत्याचार किए जाते थे, उनको सताया जाता था, अगर वो मीटिंग कर रहे होते थे तो उनमें जो है रुकावटें डाली जाती थी। पब्लिक प्रोटेस्ट और जो डिमॉन्स्ट्रेशन था उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया, यानी कि गवर्नमेंट की बात कोई बुरी लगती है तो आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, ठीक, ना गवर्नमेंट को बता सकते हैं कि नहीं साहब ये आपकी बात गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसे इलीगल कर दिया गया। और अगर कोई ऐसा करता है तो उसको पनिशमेंट दिया जाता था। इसके अलावा एक चीज़ और है, प्रेसिडेंट की वर्किंग को कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, उसमें कमी नहीं निकाल सकता था, ठीक। ये अमेंडमेंट के द्वारा सारा किया गया। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे, यानी कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो सरकार उन पर कंट्रोल करती थी, या वो सरकार की मर्जी के अनुसार चलते थे, ठीक। कोर्ट्स थे, जैसे मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी शुड बी देयर, तो यहाँ पर कोर्ट तो थे, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जब वो जो भी डिसीजन देते थे तो जो जिम्बाब्वे की गवर्नमेंट थी वो उसको इग्नोर कर देती थी, वो उसको नहीं मानती थी, उसको क्या करती थी, वो रिजेक्ट कर देती थी, ठीक है। और जिम्बाब्वे इस तरह से जो है डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लॉ के अकॉर्डिंग रूल नहीं हो रहा, लोगों का जो राइट्स हैं, राइट्स क्या हैं, अपनी बात को कहना, फ्रीडम ऑफ स्पीच, उस पर बैन लगा दिया गया, इसका मतलब राइट टू फ्रीडम जो है उस पर रोक लगाई गई, उसकी रेस्पेक्ट नहीं की जा रही थी, इसलिए हम जिम्बाब्वे को कह सकते हैं कि जिम्बाब्वे इज़ ए नॉट डेमोक्रेटिक कंट्री। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ गुड डे, एंड नेक्स्ट इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी द नेक्स्ट पोर्शन। ओके, गुड बाय।